साल 2013 में प्रसारित हुआ सीरियल तुम्हारी पाखी तो आप सभी ने देखा होगा, जिसमें हमें अयान आयुष्मान नाम का एक बाल किरदार भी नजर आया था, जिसने अपनी मासूमियत और क्यूटनेस से दर्शकों को मनमोहित कर लिया था और अपनी एक्टिंग से दर्शकों से काफी वाहवाही भी हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, आज इस सीरियल को प्रसारित हुए 9 साल बीत चुके हैं और इन बीते 9 सालों में अयान आयुष्मान का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट भी काफी बदल गए हैं। जो आज कहाँ है, क्या करते हैं और कैसे दिखाई देते हैं, ये कोई नहीं जानता। इसलिए आज हम आपको अयान आयुष्मान का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट के आज के हालातों से रूबरू कराकर इन सब सवालों का जवाब देने वाले हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तुम्हारी पाखी सीरियल में अयान आयुष्मान का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट का रियल नेम दिव्यम दामा है, जिनका जन्म साल 2008 में मुंबई में हुआ था, जिसके चलते ये अपनी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनके एक्टिंग करियर की, तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर साल 2012 में सीरियल पुनर्विवाह से की थी, जिसमें इन्होंने अंश का मासूम और प्यारा किरदार निभाया था, जिसे निभाकर इन्होंने दर्शकों से खूब वाहवाही हासिल की थी और ये दर्शकों के बीच तो मशहूर हुए ही, साथ ही ये पूरी टीवी इंडस्ट्री में भी मशहूर हो गए थे। अभी तो इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन्हें साल 2013 में जब पुनर्विवाह शो खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद तुम्हारी पाखी सीरियल ऑफर हुआ। इन्होंने अयान आयुष्मान का प्यारा सा और शरारत से भरा हुआ किरदार निभाया, इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये भी इस सीरियल से काफी मशहूर हो गए। बात की जाए कि बीते 9 सालों में दिव्यम दामा कितनी ज्यादा बदल गई हैं, तो आपको बता दें कि जहां सीरियल में ये हमें जीन्स टी शर्ट पर जैकेट डाले हुए तो कभी चेक शर्ट पहने हुए छोटे बालों में काफी ज्यादा गोल मटोल छोटे और प्यारे नजर आए थे, वहीं आज ये 14 साल के हो गए हैं। ज्यादातर ये जीन्स टी शर्ट पहने हुए तो कभी कुर्ता पहने हुए छोटे बालों में आज भी काफी गोल मटोल और यंग नजर आते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इन्होंने फिलहाल एक्टिंग से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है और अभी ये अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो आपको बता दें कि ये अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आपको छोटे दिव्यम दामा ज्यादा पसंद थे या फिर इनका बदला हुआ रूप आपको ज्यादा पसंद आया, आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।